प्रातः क्लास चल रहा था 9/7/1967 रविवार को पांचवें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। जो भी इस द्वैतवादी दुनिया के द्वापर युग से गुरु आते हैं, जो दो दो धर्म चलाते हैं, दो दो भाषाएं चलाते हैं, दो दो राज्य शुरू हो जाते हैं, ऐसे द्वैतवादी गुरु कहलाते हैं अपन को गुरु, लेकिन वास्तव में गुरु कोई भी नहीं है। क्यों? तो गुरु उसे कहा जाता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। तो बड़े से बड़े गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसमें कहें जो सारे संसार का उद्धार कर दे। तो नंबर वार धर्म पिताएं आते हैं, तो नंबर वार गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसमें जितनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उतने ही हुजूम को इकट्ठा कर पाता है। मान लो क्राइस्ट है, लेकिन उसका हुजूम तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि वो जो भी ज्ञान लेता है उस ज्ञान में उस क्राइस्ट से पहले आने वाली आत्मा का कोई ज्ञान मिक्स होता है या नहीं होता है? होता है। तो जैसे शुद्ध नहीं रहा, मिक्स हो गया, फिर भी ज्यादा से ज्यादा 200-250 करोड़ फॉलोअर्स बनते हैं। इससे ज्यादा तो विदेशी बनते ही नहीं। तो बड़े तगड़ा बड़ा गुरु कौन जिसे सदगुरु कहा जाए? सत माने जो हमेशा रहे, कभी विनाश न हो, उसको सत्य कहा जाता है। तो ये तो द्वापर युग से आए हैं, द्वापर युग से बाद कलयुग खत्म होगा तो ये गुरु लोग भी खत्म हो जाएंगे। फिर सारी दुनिया का उद्धार कौन करेगा? वो गुरु चाहिए ना। तो वो कौन है? वो गुरु है जिसको कहते हैं सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में है, माना साकार है। हाँ, किसकी दलाली करता है? है निराकार की दलाली करता है। और धर्म पिताएं भी निराकार को मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बड़े से बड़ा दलाल कौन है, बड़े से बड़ा गुरु कौन है। छोटे छोटे गुरु तो फिर झूठे गुरु हो गए ना, सच्चे तो नहीं हुए ना। सच्चा तो सदाकाल का होना चाहिए। तो सच्चा सदगुरु वो है जो वो जानते भी हैं, नाम भी लेते हैं आदम, लेकिन फिर पूरा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो तो सृष्टि के आधे समय के बाद ही आते हैं ना। सृष्टि जब शुरू होती है, आरंभ होती है सत्युग से, तो उस समय की तो बातें ही उनकी बुद्धि में नहीं है। माना वो तो आते ही है नरक की दुनिया में,
तो स्वर्ग की दुनिया की बात उनकी बुद्धि में है ही नहीं। और सदगुरु स्वर्ग में आता है या स्वर्ग से भी पहले आता है, प्रत्यक्ष होता है संसार में? कब प्रत्यक्ष होता है? स्वर्ग से भी पहले, क्योंकि सदगुरु का काम ही है सदगति देना, और सदगति होती है स्वर्ग में। सदगति कहा ही जाता है शरीर भी और आत्मा भी दोनों की सदगति हो, दोनों सुख शांति से रहें, तो वो सदगुरु जो है, धर्म पिताएं तो जो विदेशी हैं स्वदेशी हैं वो तो मानते हैं निराकार को, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते कि वो निराकार कैसे नई दुनिया बनाता है। स्वर्ग को मानते हैं जैसे आदम को मानते हैं, वैसे पैराडाइज को भी मानते हैं, जन्नत को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं वो कैसे स्थापन होती है। तो वो आदम जानता है क्या है? आदम तो सृष्टि का आदि है, आदि पुरुष, आदि मनुष्य, आदि मानव, तो वो जानता है क्या है? वो भी जन्म मरण के चक्र में आते आते सब सब भूल जाता है, उसकी आत्मा भी कमजोर हो जाती, तामसी बन जाती, तो फिर कौन बताएगा? वो ही बताएगा जिसको सब मानते हैं, सारी दुनिया में भारतवासी भी मानते हैं, भारत के जो भारतीय धर्म है वो भी मानते हैं, विदेशी धर्म पिता है उनके फॉलोअर्स भी मानते हैं, किसको? निराकार। तो जिस जो निराकार को सब मानते हैं वो ही तो वास्तव में मूल है ना। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का अखूट भंडार है। क्यों अखूट भंडार है? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो जैसे धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं, जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, ऐसे ही वो आता है तो आदम में प्रवेश करता है। वो है उसका मुकर्रर रथ, और साकार भी है, तो उसी को कहा जाता है शिव, माना निराकार, बाबा माना साकार। तो दोनों रूप उसमें स्थायी हो जाते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो वो शिव बाबा ही सारी दुनिया की सदगति करता है, धर्म पिताओं की भी सदगति करता है, जो बड़े से बड़े इस दुनिया के गुरु माने जाते हैं। तो बताया गुरु कोई को भी नहीं कहा जाता है सिवाय एक के। कौन एक? सदाशिव है। सदाशिव कहें, कौन है सदाशिव? है सदाशिव किसे कहें? इस सृष्टि पे सदा कौन है? सदा तो एक अकाल मूर्त है जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, है उसको काल भी नहीं खाता, अकाल है और मूर्ति भी। गुरु साकार होना चाहिए ना, मूर्ति माने साकार। तो वो एक ही सदगुरु है। और फिर ये भी बताया जो सदगुरु है वो ही तुम्हारा बाप है, वो ही तुम्हारा टीचर भी है, माने एक ही स्वरूप है। साकार निराकार का मेल इस संसार में पार्ट बनाने वाला, जो इस सृष्टि में आदि से लेकर अंत तक साकारी प्लस निराकारी स्टेज में स्थिर रहता है।
वही सदगति देने वाला है सारी दुनिया को, सर्व की सदगति करने वाला। माने सर्व माने सबक ही सदगति, माने किन की सदगति है? पांच सौ सात सौ करोड़ की सदगति करता है। अच्छा, माना और जो प्राणी है उनकी सदगति नहीं होती है? क्यों है? अरे उनकी सदगति होती है कि नहीं है? सदगति होती है, वो स्वर्ग में जाते हैं है? जाते हैं। तो बताया जो श्रेष्ठ प्राणी हैं वो सदगति में जाते हैं, पूर्ण सदगति में। उनमें भी नंबर वार है क्या, जिसे कहते हैं ना 84 लाख योनियां हैं। तो जन्म कितने हैं मनुष्य के? जन्म 84, ज्यादा से ज्यादा। तो 84 जन्मों में वो 84 लाख योनियां आती रहती है, हर जन्म में 1 लाख योनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उतरती है। तो सबकी सदगति है, मना ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 की सदगति करता है, है? 8 की भी नंबर वार है कि एक जैसी है? 8 की भी कहेंगे नंबर वार। तो इस सृष्टि में जितने भी प्राणी मात्र हैं, जिनमें प्राण वायु चलती है, ये प्राण वायु है ना, बाहर निकलती है अंदर आती है, अपान वायु उदान वायु। तो बताया जो भी प्राणी मात्र है, प्राण शक्ति उनमें काम करती है, उन सबकी सदगति करने वाला एक है, कौन? शिव बाबा। साकार भी है और निराकार ज्योत बिंदु आत्मा भी है, उसकी यादगार शिवलिंग बनाते हैं। आज का शिवलिंग, आज जो शिवलिंग बनाते हैं वो पूरी यादगार है? है नहीं? कौन सी यादगार थी थे? क्योंकि हर चीज दुनिया की पहले होती है सात्विक सतो प्रधान और बाद में होती है तमो प्रधान। तो शिवलिंग जब बनना शुरू हुआ यादगार के रूप में, तो आदि में सात्विक था। कैसे? उसमें साकार की यादगार बड़ा रूप पत्थर भी था, गोलाकार वाला लिंग, और उसमें शिव ज्योति बिंदु भी था, है? रोशनी की यादगार ज्योति। क्या आत्मा ज्योति स्वरूप है ना, कि बिना ज्योति की है? ज्योति स्वरूप की है। कैसे पता चले? आंखों में से रोशनी निकलती है ना, जब आत्मा निकल जाती है तो आंखें बटन, रोशनी खत्म। तो जो आत्माओं का बाप शिव है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो भी ज्योति बिंदु, और उसकी ज्योति कैसी है? है? संपूर्ण है या अपूर्ण है? संपूर्ण माने सूर्य के समान है, जैसे स्थूल दुनिया में सूर्य है ना, तो सबसे ज्यादा चमकता हुआ है, आफ्ताब कहते हैं उसे। तो जैन सूर्य, उसकी रोशनी अखूट है और वो अखूट तो है, लेकिन जो इस दुनिया का स्थूल सूर्य है वो तो लगातार रहता है इस सृष्टि पर। कभी ऐसा होता है कि सूर्य
चांद रहे नहे न रहे, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन फिर अंतर क्या है, ये जो ज्ञान सूर्य है वो भी तीन लोकों में से कोई न कोई लोक में तो सदा रहता है। क्या, कौन से लोक में? जिसे कहते हैं परमधाम है, क्या कहते हैं दूसरा नाम, ब्रह्मलोक है। तो परमधाम जो सूरज चांद सितारे हैं इस दुनिया की जड़, उनकी रोशनी से परे है, वहां उनकी रोशनी नहीं पहुंच सकती। तो बताया शिव जो निराकार है, सदा ज्योति बिंदु स्टेज में रहने वाला है, वो आदम में आकर के सदगुरु बनता है, सुप्रीम टीचर बनता है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। तो और जो धर्म पिता हैं वो कोई सारी दुनिया की सदगति करने के लिए नहीं आते, अरे एक की भी सदगति नहीं कर सकते, खुद भी इसी दुनिया में बंधन में बंध के रहते हैं और सारी दुनिया बंधन में बंध के रहती है। सबसे बड़ा तो देह का बंधन, न खुद देह के बंधन से निकल पाते हैं न दूसरी आत्माओं को निकाल पाते हैं। तो वो निराकार जब साकार बड़े के बड़े हीरो पार्टधारी में आता है आदम में, तब क्या होता है, पहले पहले तो ज्ञान देगा ना, है तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। किसको किसको देता है, हाँ आदम को देता है, जो इस मनुष्य सृष्टि का सदा काल साकारी स्टेज में रहने वाला है, है वो देह कभी छोड़ता ही नहीं, एक शरीर छेड़ लेता है दूसरा लेता है तीसरा लेता है, शरीर के साथ ही रहता है, बिना रथ के नहीं रहता। अगर वो बिना रथ के कहा भी जाए तो भी तब जब उसको रथ की याद न रहे, क्या रथ की स्मृति से परे चला जाए, इंद्रियों की भी स्मृति न रहे न रथ की स्मृति रहे, एकदम परे की स्टेज में, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मन है वो मन भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। कैसे, जैसे वो निराकारी है तो मन भी ऐसे नहीं है दौड़ता रहे इधर उधर, क्या करेगा, वो भी निराकारी बन जाएगा। तो ऐसी स्टेज जब आदम की आती है तो उसे कहा जाता है सदगुरु का काम करने वाला शुरू। तो उसके अलावा और कोई धर्म पिता ही नहीं है जो कोई की सदगति कर सके। बताओ ये कितने की सदगति करते हैं, है? क्योंकि सदगति तो इस दुनिया में सबकी हो जाने वाली है। अब बताया ना, ऐसे नहीं कि मनुष्यों की सदगति होगी, नहीं, इस दुनिया में जो भी प्राण धारण करने वाली आत्माएं हैं सब प्राणियों की सदगति होने वाली। फिर तो उसके बाद जो आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर धर्म पिताएं, उनको तो धर्म स्थापक कहा जाए, है? क्या कहा जाए, धर्म स्थापक कौन आते हैं पहले पहले, है? पहले कौन आता है,
इस्लाम आता है। अरे इस्लाम पहले हो गया, वाह भाई कौन आता है? अरे अरे कोई पहले आता है सृष्टि रूपी रंगमंच में, कौन आता है? है कृष्ण बच्चा आता है, वो धर्म पिता है, है? कृष्ण बच्चा धर्म पिता है सतयुग में, वो धर्म की स्थापना करता है, उसका बाप कुछ नहीं करता। वाह भाई तो बढ़िया बंधन चलाया है। नारायण नारायण तो ढेर होते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में वो एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते हैं, ऐसे नारायण भी होते हैं, आदि नारायण। अच्छा आदि नारायण पहला धर्म पिता है, है? देवता बनता है धर्म पिता, वाह भाई देवता धर्म पिता बनता है, है? सारी दुनिया को सदगति देनी है, गति देनी है, मुक्ति देनी है, तो जो आदि नारायण है वो देवताओं का मुखिया है या सबका मुखिया है? सबका मुखिया कौन? परम ब्रह्म। हा जिसको परम ब्रह्म कहा जाता है वो ब्रह्म है ना, पहला पहला है, धर्म पिता तो नहीं है, अम्मा है कि बप्पा है, तो परम ब्रह्म क्यों कहा? पहला पहला धर्म पिता, अम्मा स्थापन करती है। अच्छा इसलिए ब्रह्मा कुमारियों ने समझा गुलजार दादी को बैठा दो है भगवान के रूप में, वो ब्रह्मा बाबा ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया है और गुलजार दादी देवता धर्म स्थापन कर देगी, ऐसे है? अरे परम ब्रह्म धर्म स्थापक धर्म पिता है, बताओ। नहीं धर्म पिता नहीं है क्या? शंकर में तो संकरण है, कई आत्माओं का संकरण होता है, तो शंकर शंकर तो धर्म स्थापन करता है, धम धम कर देता है, विनाश कर देता है, हा? क्यों राम है? अरे राम धर्म पिता है, कौन राम? वो क्या करता है राम? है जो परम ब्रह्म जिसका नाम दिया, वास्तव में वो नाम है परम ब्रह्म, लेकिन शरीर तो पुरुष का है क्या? इसलिए वो परम ब्रह्म वाली आत्मा ही जब ब्रह्मा का काम पूरा कर लेती है क्या, सारी सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब ब्राह्मण जब बन जाते हैं तब वो क्या करती है, है? ब्राह्मण धर्म भी स्थापन हो गया और देवता धर्म का भी स्थापन होता है। जब ब्रह्मा से जो ब्राह्मण बने वो ब्राह्मण कोई चोटी का ब्राह्मण निकले क्या, और वो जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया गया, कौन से ब्रह्मा के मुख से? वेदों का ज्ञान, वेद वाणी, क्योंकि वेद वाणी जो है
वो तीन गुणों से भरी पूरी है या त्रिगुण रहित है? वेद वाणी तीन गुणों से भरी पूरी है, तो जो सृष्टि भी पैदा होगी वो तीन गुणों वाली होगी या त्रिगुणातीत होगी? तीन गुणों वाली, तो वो तीन गुणों वाले ब्राह्मण पैदा होते हैं। क्या वो ब्राह्मण नौ कुरी के ब्राह्मण बनते हैं? क्या जैसे जैसे जो बीज रूप आत्माएं हैं, मूल बीज इस संसार के, वो आठ नौ हैं। जैसे आठ दिशाएं हैं तो आठ दिशाओं के आठ दिग्पाल हैं और एक उनका कंट्रोलर उनसे ऊपर, तो नौ हो गए ना। तो उनमें जो अव्वल नंबर है वही आदम की आत्मा, वो आदम वाली आत्मा जब संपूर्ण बनती है पूरा ज्ञान बुद्धि में धारण करने के बाद, तो संपूर्ण आत्मा ही संसार में वो परम ब्रह्म का पहला बच्चा साबित होता है, जिसे कहते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा चार पुत्र पैदा हुए पहले पहले। क्या? सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो उनमें सनत कुमार सबसे ज्यादा ज्ञानी थे, तो छोटे तो थे लेकिन सबसे ज्यादा योगी भी थे, ज्ञान को भी धारण किया उन्होंने। शिव बाबा क्या देते हैं? है? जिसे हम शिव बाबा कहते हैं वो क्या देते हैं? ज्ञान ही तो देते हैं ना, तो ज्ञान देते हैं पहले पहले, और जो ज्ञान देते हैं उसके आधार पर जो ज्ञान धारण करता है जिसे सनत कुमार कहा जाता है, वो ही सनत कुमार वाली आत्मा जो पूर्व जन्म में थी, परम ब्रह्म के रूप में कार्य किया था, ब्राह्मणों को जन्म देना शुरू किया था, वही आत्मा फिर क्या बनती है? पहला ब्राह्मण बनती है, छोटी का ब्राह्मण संसार में प्रत्यक्ष होती है, क्योंकि संसार वालों के सामने ये बात क्लियर हो जाती है कि सबसे ऊंची से ऊंचा धर्म है अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के जो अव्वल नंबर दीन धर्म स्थापन किया वो ही सबसे ऊंचा, और उसका धर्म पिता, उनकी बुद्धि में भी बैठ जाता है कि हाँ आदम ही है। तो पूछा कितनों की सदगति होती है और कितनों की सदगति हो जाने वाली है, गिनती कर सकते हैं? है? गिनती नहीं कर सकते। हाँ इतना जानते हैं कि 84 जन्म होते हैं और 84 जन्मों में 84 लाख योनियां इस सृष्टि पर उतर आती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो पहला जन्म है उसमें 1 लाख और हर जन्म में लाख लाख बढ़ती जाती है। जो बढ़ती हैं दूसरे दूसरे प्राणी वो नंबरवार ही होंगे ना। नंबरवार क्या दुखदाई ज्यादा बढ़ते जाएंगे या उनकी संख्या कम होगी? बढ़ते जाएंगे। जो पहले हैं वो तो है ही हैं, वो भी जन्म मरण के चक्र में आते नीचे उतरते हैं, और जो और प्राणी है नहीं नहीं उतरते वो और ज्यादा दुखदाई, लेकिन उनकी गिनती नहीं कर सकते। क्या? हाँ मनुष्यों की गिनती बताई सुप्रीम सोल शिव ने, क्या 700-750 करोड़ मनुष्य आत्माएं होती हैं और सदगति सबकी सदगति हो जाने वाली। फिर जब सबकी सदगति हो गई फिर उसके बाद फिर नया कल्प शुरू, नई चतुर्युगी शुरू, फिर तो जो आते हैं
उनको धर्म स्थापक कहा जाता है। क्या कौन आते हैं? उनका धर्म स्थापन, धर्म स्थापक कहा जाए, धर्म के स्थापक हैं, उनको गुरु नहीं कह सकते। तो जो दुनिया तैयार होती है उसमें पहला पहला गुरु कौन हुआ है? है? चलो, मनुष्यों की दुनिया में या राक्षसों की दुनिया में तो पहला पहला हो गया इब्राहिम, लेकिन जो देवताओं की दुनिया है उसमें पहला कौन? तो कहते हैं पहला पहला है शिव बाबा, और शिव बाबा ही विष्णु का रूप बनता है। क्या विष्णु में चार भुजाएं तो देखने में आती है, लेकिन उन चार भुजाओं को चलाने वाली आत्मा जो विष्णु के मस्तक में है ब्रकुटी में, वो असल विष्णु हुआ। तो वो भी विष्णु रूप संपन्न बनने से पहले धर्म स्थापक है या नहीं है? है, धर्म स्थापक है, क्योंकि धर्म स्थापना में भी टाइम लगता है ना, कि छू मंत्र का लिए एक सेकंड में धर्म स्थापन हो जाता है। जो भी धर्म पिताएं आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल तो लेते ही, तो और वो आते भी हैं तमोप्रधान में। तमोप्रधान जो आत्मा, रजो प्रधान आत्मा, देव आत्मा बनती है, उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसे ही वो निराकार शिव सुप्रीम सोल, वो भी आदम में तब आता है जब आदम एकदम तामसी बन जाता है। कैसा कैसा बताया? कैसा तामसी? एकदम पत्थर बुद्धि जैसा। बुद्धि चलती नहीं, बुद्धि नहीं चलती है तो मन कंट्रोल कर लेता है बुद्धि को। क्या कौन कंट्रोल करता है? मन। जो देवता धर्म की शुरुआत होती है पहले जन्म में सृष्टि में, तो कृष्ण जो आत्मा दिखाई जाती है वो ही आत्मा वास्तव में मन का काम करती है, चैतन्य रूप में मन, संकल्प शक्ति, तीखी दौड़ने वाले चंद्रमा के रूप में। तो कौन सा धर्म स्थापन करता है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जी से कहा जाए, है? कौन सा धर्म स्थापन करता है? चंद्र धर्म स्थापन करता है, ये तो हमने आज सुना। ये चंद्र धर्म कहां से आ गया? चंद्र धर्म थोड़े ही कहेंगे, ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है। सिर्फ ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं क्या? सो भी कितनी कुरियों के ब्राह्मण? 9 कुरियों के ब्राह्मण पैदा होते हैं, सब नंबरवार पुरुषार्थी। तो उसमें अव्वल नंबर का जो ब्राह्मण है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा, जो यज्ञ के आदि में भी होता है, जिसके लिए मुरली में भी बोला कि मैं आता हूं, तो सारी दुनिया विकारों के कीचड़ में धस जाती है। क्या सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है ना, तो जलमयी में मिट्टी मिलेगी कि नहीं? है, कीचड़ बन जाती है। तो उस कीचड़ में देह अभिमान की मिट्टी में सारी दुनिया डूब जाती है, सिर्फ एक चोटी बचती है, उसको कहा ब्राह्मण चोटी। वो चोटी पकड़ के खींचता है, माने वही आदम। क्या एडम की आत्मा उसको पकड़ लेता और उसके खींचने से वो सारा विराट पुरुष
जो दिखाया है, सो विराटपुर में सारी दुनिया मौजूद है, वो बीज है ना सारी सृष्टि का। तो वो हुआ पहले नंबर का धर्म स्थापन। कब? पहले नंबर का धर्म स्थापक है तो पहले नंबर में कौन सी आत्माओं की स्थापना करेगा? है? आत्माओं के तो ग्रुप है ना, इस्लाम धर्म की आत्माएं अलग, क्रिश्चियन धर्म की अलग, मुस्लिम धर्म की अलग, आर्य समाज की अलग, उनके राज्य भी अलग अलग। तो जो ऊंच के ऊंचे धर्म पिता है वो कौन से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है? है? उस ऊंचे धर्म में कौन मुखिया कहा जाता है? देवता। देवताओं में कौन देवताएं? तो कहते हैं 33 करोड़ है? और हर धर्म सृष्टि के नारायण। कौन सा नारायण? नारायण तो ढेर सारे, अभी अभी तो बताया, आदि नारायण। एक्यूरेट बोलना चाहिए ना, आदि नारायण। जो आदि नारायण है वो ही विष्णु कहा जाता है। आदि नारायण और आदि नारायण ही दोनों के संस्कार मिलते हैं तो विष्णु कहा जाता है। बाकी कोई चार हाथ का आदमी नहीं होता है, ये समझ की बात है। तो ये जो कहा गया विष्णु वो है अव्वल नंबर का देवता। क्या? सात्विक देवता या तामसी देवता? है? एकदम सात्विक है। जो तामसी होगा कभी आंखें लाल लाल करेगा कि नहीं? है? और जो सात्विक होगा सदा सात्विक, तो हमेशा मुस्कुराता रहेगा या गुस्से में आएगा, तमतमाएगा? है? तो विष्णु को कैसे दिखाते हैं? सदा शांत मुस्कराता। तो वो कोई धर्म स्थापक नहीं है। कौन? विष्णु। वो तो जो धर्म स्थापन हुआ उसमें अव्वल नंबर है आदि नारायण, वो अव्वल नंबर तो है देवताओं में लेकिन धर्म स्थापक नहीं है। तो उसको स्थिर किसने किया, उसको स्थापन किसने किया विष्णु रूप में? कोई तो किया होगा। है? किसने किया? तो दिखाते हैं लक्ष्मी ने किया। लक्ष्मी तो खुद ही उस स्वरूप की है अव्वल नंबर। उसमें जो चार भुजाएं दिखाई हैं विष्णु में वो अव्वल नंबर भुजा तो खुद लक्ष्मी ही है। सबसे नजदीक नारायण के रहने वाली वो भी तो रचना है ना। लक्ष्मी किसकी रचना? नारायण की रचना। लेकिन लक्ष्मी नारायण को रचने वाला कौन? जिसको हम कहते हैं शिव बाबा। माना वो शिव स्वरूप ज्योतिबिंदु भी बन जाता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। हीरो पार्टधारी आत्मा और शरीरधारी भी है। क्या? सारी सृष्टि का बाबा। बाबा मन ऊंचे ते ऊंचा, फादर का फादर का फादर का फादर का फादर, 84 जन्मों जो अंतिम स्टेज में पहुंच गया वो धर्म पिताओं का भी बाप। तो जो ब्रह्मा वाली आत्मा है दादा लेखराज, उससे 9 पुरी के ब्राह्मण तो पैदा हुए लेकिन उन्होंने किसी को देवता नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो ही तो रचना है ब्रह्मा के, रचयिता है, रचना है। तो रचयिता जो एवरलास्टिंग है साकार रूप में सृष्टि में, वो आत्मा है जो सृष्टि के आदिकाल में और शूटिंग के आदिकाल में जिसको नाम दिया था परम ब्रह्म। क्या? काम निकालने के लिए
ब्रह्मा नाम दिया ना, तो वो परम ब्रह्म ही जब नौकुरी के ब्राह्मण तैयार होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उनमें फिर प्रत्यक्ष होता है अंत में क्या। और वो कब कहा जाता है परम ब्रह्म? जब कब है? यस नहीं, वो तो पहले ही प्रवेश कर गया, सन 36 में ही प्रवेश किया उसने। बाप समान बन जाता है कौन? आदम। तो जब समान बन गया तो वो समान तब बनता है जब पत्थर बुद्धि के साथ वो आत्मा भी ऐड हो जाए जो पत्थर बुद्धि बनने का काम नहीं करती। क्या माना? संघ के रंग में तो आती है लेकिन दैहिक संघ में सिर्फ एक की आती है। तो षष्ठ रूपी रंगमंच पर एवर प्योर किसे कहेंगे? शरीर से भी और आत्मा से भी किसे प्योर? लक्ष्मी है, आदि लक्ष्मी। तो वो आदि लक्ष्मी वाली आत्मा भी जब शंकर के साथ ऐड हो जाए, क्या उससे पहले क्या था? ऐड होने से पहले चंद्रमा था साथी, और कौन साथी था है? और कोई साथी था? शिव साथी था। क्या आदम का साथी कौन? शिव निराकार और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्म। भले अपोजिशन में, ब्रह्मा दादा लेखराज पहले अपोजिशन में रहता है या सपोर्ट करता है? अपोजिशन में रहता है ना। जब पूरी बात बुद्धि में बैठ जाती है तब फिर सहयोगी बन जाता है। तो वो आत्मा संपूर्ण सहयोगी माने संपूर्ण चंद्रमा बने तो संपूर्ण देवता बने। और देवता प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो आत्मिक रूप में कहें कि दो आत्माओं की पक्की प्रवृत्ति हो गई। कौन कौन दो आत्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल और जिसे हम कहते हैं शंकर, महादेव, आदिदेव। तो ये दोनों आत्माएं जब एक होती हैं तो साथ ही साथ फिर तीसरी आत्मा कौन सी आ जाती है? बोलो बोलो बोलो। है आदि लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ढेर सारी बताया ना, सतयुग में ढेर सारी लक्ष्मी हो गई। क्या कितनी लक्ष्मी होती है? नंबर बार है 9 लक्ष्मी होती है, 9 नारायण, तो 9 लक्ष्मी। तो उनमें जो आदि नारायण कहा जाता है वो आदि नारायण के साथ लक्ष्मी भी है और वो आत्मा जिसे हम कहते हैं आदि नारायण वो कहाई कब जाता है आदि? क्योंकि सृष्टि का आदि होगा तो प्रवृत्ति मार्ग से होगा या निवृत्ति मार्ग से होगा? है प्रवृत्ति से। तो वो आत्मा एकाकार हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि धर्म स्थापक एक या अनेक? एक।
एक आत्मा कौन हुई? जिसे शास्त्रों में कह दिया योगीश्वर ज्ञानेश्वर ईश्वर। किसका ईश्वर? ज्ञानियों का ईश्वर और योगियों का ईश्वर। अब इधर शास्त्रों में लिखा है कि योगीश्वर कृष्ण भी है, योगीश्वर शंकर भी है। अरे तो योगियों का ईश्वर एक होगा या ढेर होंगे? हैं? एक ही होगा ना। तो वास्तव में जो योगीश्वर है वो शंकर ही, उसका अपर नाम है क्या? योगीश्वर सनत कुमार। बचपन का नाम है, जब कम बुद्धि है तो कहेंगे सनत कुमार, और जब बड़ा हो जाए, मनन चिंतन मंथन करने योग्य हो जाए, विचार करने योग्य हो जाए, तो विचारवान आत्मा बड़ी हो गई तो उसे कहा जाता है शंकर। संसार में या ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड में कौन सी मूर्ति पहले प्रत्यक्ष होती है? दुनिया वालों के सामने या ब्राह्मणों की दुनिया के सामने है कौन सी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है? ब्रह्मा बाबा की मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा बाबा तो शरीर ही छोड़ गए है, और त्रिमूर्ति तो सदाकाल है, सदाकाल सूक्ष्म वतनवासी है या अल्पकाल के लिए है? त्रिमूर्ति जो है वो तो इस दुनिया में कहते हैं शास्त्रों में के त्रिमूर्ति सूक्ष्म वतनवासी है, माना सूक्ष्म है, वो इन आंखों से कोई को दिखाई नहीं देती है। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया की बात, शूटिंग पीरियड की बात, वो इन आंखों से नहीं दिखाई देती है। ज्ञान मिले तो ज्ञान के नेत्र से वो ब्रह्मा, वो विष्णु, वो शंकर पहचाने जाते हैं। तो पता चला कि अव्वल नंबर ब्रह्मा जो है वो पहले पहचान में आता है। अव्वल नंबर ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु सो अव्वल नंबर देवता। इसलिए क्लियर हो जाता है कि जो अव्वल नंबर देवी देवता धर्म है, अव्वल दीन मुसलमान भी मानते हैं उसे, तो उसका धर्म स्थापक है कौन? जिसे हम शंकर कहते हैं। सिर्फ शंकर कहें कि शिव शंकर कहें, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापक है। क्या कहें? दो कहें, शिव शंकर कहें, तभी देवी देवता धर्म स्थापन होता है। अच्छा शंकर कहें तो नहीं स्थापन होता, उसमें शंकर में शिव नहीं होता। फिर जो शंकर में शिव है तो फिर अकेला शंकर क्यों कहें? है इसलिए कहें कि शंकर भी अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता शुरुआत में, जब संपूर्ण रूप से बिंदु बन जाए तब कहेंगे योगी। इसलिए तो गीता में लिखा है नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन, जिसने अपने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में योगी होते हैं ना,
सन्यासी लोग होते हैं कहते हैं हम योगी हैं, घरघाट तो छोड़ देते हैं, है? जमीन ज्यादा छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर उनको याद आती रहती है कि नहीं, है? घरवार बार बच्चे बीवी बार बच्चे याद आते हैं कि नहीं, याद आते हैं, तो संकल्प तो चलेंगे ना, तो कैसे योगी हुए, कैसे सन्यासी हुए? संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, संपूर्ण त्यागी तो नहीं हुए। और अगर संपूर्ण त्यागी कहें भी तो कहें उनका गुरु भी संपूर्ण त्यागी होना चाहिए, गुरु भी कोई ऐसे नहीं होते ऐसे द्वैतवादी दुनिया में। द्वैतवादी दुनिया ही तब कही जाती है जब दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, उसको द्वैतवादी दुनिया कहा जाता है। स्वर्ग में देवताएं अद्वैत कहे जाते हैं, अद्वैत माने दूसरे को नहीं मानते, सिर्फ मैं आत्मा एक ज्योतिबिंदु। अब जहां ज्योतिबिंदु आत्मा है, ज्योतिबिंदु की याद है, तो उसमें वो जो मुखिया है देवता धर्म का, वो भी उसमें है या नहीं है? है आत्मिक स्टेज में, आत्मिक स्टेज लगातार जिसकी रहेगी उसके साथ शिव का रूप है या नहीं है, शिव है या नहीं, शिव हुआ ना, तो वो देवताएं एक की याद में रहते हैं, इसलिए कहेंगे निसंकल्प। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बताया कि ऐसा पुरुषार्थी ब्राह्मण बने जो एक शिव बाबा दूसरा को एक की याद रहे, तो उस एक की याद कहेंगे ये रहेगी तो कहेंगे सदगति, और दूसरे दूसरों की याद आती है तो कहेंगे जरूर दुर्गति होना शुरू हो गई। तो बताया दुनिया के जो धर्म गुरु होते हैं, धर्म पिता हैं, वो गुरु नहीं कहे जा सकते, या भारत में भी जो गुरु बन के बैठते हैं वो भी गुरु नहीं कहे जा सकते। शंकराचार्य गुरु बन के बैठते हैं ना गद्दी जमा के, फिर उनको भले किसी नाम से बुलाओ, है गुरु माने गुरुत्व आकर्षण शक्ति वाले कोई भी नहीं है, उनको भी कोई खींच लेता है। कौन खींचता है? जब सृष्टि का अंत और सृष्टि का आदिकाल होता है तो उनको भी शिव जिसे में प्रवेश करता है, जिसे संसार में नाम दिया जाता है शिव के साथ शंकर, वो शिव शंकर सारी दुनिया को आकर्षित कर लेता अपनी ओर। तो भले उनको किसी नाम से बुलाओ, इब्राहिम कहो, गुरु करो, बुद्ध कहो, कुछ भी कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु की भी मूर्तियों को स्थापन करने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? है ऊपर उंगली उठा दी, शिव है। अच्छा, वो खुद मूर्ति है जो मूर्ति बनाएगा, मूर्ति माने साकार, खुद ही मूर्ति नहीं है तो बनाएगा कैसे? क्या वास्तव में असली रूप में जब कहें कि तीन मूर्तियां संपन्न रूप में तैयार हुई, तो तब ही कहा जाएगा जब तीनों मूर्तियों को बनाने वाला वो मूर्तिमान शंकर जो सदैव आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है, शिव स्वरूप बन जाता है, तो वो ही तीन मूर्तियों को स्थापन करने वाला त्रिमूर्ति शिव। तो उसके अलावा और दुनिया में सब हैं धर्म स्थापक। क्या जो धर्म स्थापन के निमित्त तो बनते हैं, फिर
नंबरवार ही धर्म की पालना कर पाते हैं और विनाश तो कोई कर ही नहीं पाते। इसलिए कोई भी शिव के स्वरूप नहीं है। क्या शिव स्वरूप तब कहा जाए जब अपने धर्म की स्थापना भी करें और पालना भी करें अच्छे से और विनाश भी करते हैं जब तामसी बने तो फिर वो धर्म पिता है। एक आता है, दो आता है, तीन आता है, आते ही जाते हैं, दूसरा भी आते हैं। बाकी सदगति कोई किसी की थोड़े ही करते हैं, उनको याद करने से किसी की भी सदगति नहीं हो सकती। क्या धर्म पिताओं को याद करेंगे? क्योंकि वो खुद ही अपूर्ण है। सदगुरु तो कोई है ही नहीं जो सबकी सदगति करें, तो वो अपनी भी सदगति नहीं कर सकते और दुनिया में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति नहीं कर सकते, प्राणी मात्र की सदगति नहीं कर सकते। हाँ, वो फिर क्या करते हैं? वो जो धर्म पिता है ना, वो तो रजो प्रधान दुनिया में आते हैं ना। जब इस सृष्टि में रजोगुण की वृद्धि होती है तब आते हैं, और रजोगुण की वृद्धि जब होती है तो काम और क्रोध की भी वृद्धि हो जाती है। क्या कामाग्नि सबसे पहले और फिर क्रोधाग्नि तो साथ में होगी। क्यों? क्योंकि काम अग्नि एक ऐसी चीज है जो उसमें जितना भी घी डालो, क्या कितना भी याद का घृत डालो स्मृति का, लेकिन वो बढ़ती जाएगी, खत्म होने वाली नहीं है। अच्छा घृत नहीं डालो, तेल डाल दो, तेल भी तो खाने का होता है ना। अच्छा खाने का मत डालो, मशीनों वाला तेल डाल दो, है उसमें भी वैरायटी होती है, एकदम थर्ड क्लास केरोसिन का आ जाता है, वो तेल डाल दो। थोड़ी थोड़ी चिकनाहट तो सभी में होती है। चिकनाहट माने जो याद है ना, याद जिसकी करते हैं तो चिकने की याद करेंगे, खुर्राट की याद करेंगे, है चिकने की याद करेंगे ना। तो वो ऊर्जा तो सब है, लेकिन अव्वल नंबर ऊर्जावान एक भी धर्म पिता नहीं। तो क्या करेंगे? वो आग पैदा कर देते हैं। क्या काम अग्नि सब में, सब धर्म पिताओं में और उनके फॉलोअर्स में पैदा होती है। वो काम अग्नि जो है क्या करेगी? क्रोधाग्नि भी पैदा करेगी। क्यों? काम की आग तो कभी पूरी होती नहीं और विकारों की तीव्रता कम हो जाती है, लेकिन काम अग्नि कभी पूरी नहीं होती। जितना भी उसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। तो वो क्या करते हैं? फिर क्रोध आ जाता है। फिर क्या करते हैं? क्रोध आएगा तो क्या करेंगे? युद्ध करते। कैसा युद्ध है? देह की इंद्रियों का युद्ध करते हैं कि सिर्फ संकल्पों का युद्ध करते हैं? है दोनों का युद्ध करते हैं, हिंसा करते हैं। क्या करेंगे? है हिंसा करते हैं तो क्या बुद्ध को कहें कि वो हिंसा करते हैं? उनका तो नारा है अहिंसा परमो धर्म। क्या नारा है या नहीं? नारा है। अब उनसे पूछो, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुआ विदेशियों का तो तुमने हाथ उठा दिए अहिंसा परमो धर्म, हम युद्ध नहीं करेंगे, तो वो तुम्हारे बेबी बाल बच्चों को उठा के नहीं ले जाते हैं?
उठा ले जाते। तो तुम हिंसक हुए या नहीं हुए? क्योंकि जो अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर सकता है, अपनी रचना की ही रक्षा नहीं कर सकता है, वो विश्व का कल्याण क्या करेगा? ये तो दुनिया को धोखा देना हो गया क्या? तो बताया, जो सदगति न करने वाले धर्म पिताएं हैं, वो बैठ करके बुद्ध को, क्राइस्ट को, उनके फॉलोअर्स जरूर याद करते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे वो? सब धर्म वाले माला फेरते हैं। क्या माला? माने संगठन। जो जो उन धर्म पिताओं ने आकर के अपने अपने मुख्य मुख्य मुखिया बच्चे हैं फॉलोअर, उनकी माला बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। उस संगठन में उनका कोई बड़ा भारी भक्त होगा, बड़ा फर्स्ट क्लास, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाला, कोई कम सपोर्ट करने वाला। तो उनकी मालाएं नंबरवार होती हैं। क्या? सब धर्म माला फेरते हैं, क्राइस्ट को याद करेंगे, माला फेरते जाएंगे और किसको याद करते जाएंगे? क्राइस्ट को याद करते। अरे, जब माला में अलग अलग गुरिये हाथ में आते जाते हैं तो अलग अलग गुरियों को याद करो ना, क्राइस्ट को क्यों याद करते? तो ये बात उनकी समझ में नहीं आती। ये बात है, जब सुप्रीम सोल बाप शिव इस सृष्टि पर आते हैं और ब्रह्मा के वो दादा लेकर, वो क्या नाम, आदम के द्वारा, अर्जुन के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं मुख से, तो ये बात बाहर आती है ज्ञान की। क्या? कि जिस साकार स्वरूप के द्वारा उसको फॉलो करने वाले, पूरा फॉलो करने वाले जो होते हैं ना, वो तो उसी धर्म के पूरे बनेंगे। महादेव है तो देवता धर्म के बनेंगे ना। तो जो देवता धर्म के पक्के बनते हैं, सोलह कला संपूर्ण, वो सोलह कला संपूर्ण आत्माएं फिर माला की लिस्ट में आती। उनमें भी सब नहीं आते, कोई प्रजा की लिस्ट में आएंगी है, कोई राज्याधिकारियों की लिस्ट में आएंगी, कोई दास दासियों की लिस्ट में भी आएंगी। कोई शरीर छोड़ते हैं तो खींच करके समंदर में ले जाके डालने के भी निमित्त बनते हैं, चांडाल, वो भी बने। तो जो भी नंबर बार बनती हैं मालाएं अलग अलग प्रकार की, तो उन मालाओं में जो आत्मा रूपी गुरिये होते हैं उनको याद करना चाहिए, लेकिन उनको याद नहीं करते हैं। जो मूल स्थापक है, स्थापन करने वाला, उसको याद करते हैं। तो देखो, फायदा कुछ भी नहीं। क्या वो धर्म पिताओं को याद करने से फायदा है? क्यों नहीं फायदा? क्योंकि उसमें, उन धर्म पिताओं में कोई में भी शिव नहीं प्रवेश करता है। सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल शिव जो प्रवेश करता है, एक आदम जिसे महादेव नाम किया जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, शंकर, उसी में प्रवेश करता है धर्म स्थापना के लिए। तो सबकी सदगति करेगा है? चलो, अपने फॉलोअर्स की सदगति कर लेगा, मान लो, करता तो नहीं। कीड़े मकोड़े प्राणियों की सदगति करेगा है? अरे, अपने फॉलोअर्स की ही सदगति नहीं कर पाता, उनकी ही दुर्गति होती रहती है, तो फिर दूसरों की सदगति कहां से करेगा? लेकिन वो फॉलो करते हैं, वो धर्म पिताएं भी ये समझते हैं। जैसे इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान, तो आदम की आत्मा भी सतो प्रधान फिर लास्ट में
तमोपना। तो आखिरी जन्म में जब आती है, मान लो कहो 1936 में, तो तमो प्रधान या सतो प्रधान? 1936 में क्या कहें? तमो प्रधान ही कहेंगे ना पहले। तो वो भी क्या समझती है कि शिव कोई अलग आत्मा है या शिवो हम आत्मा जो परमात्मा है? तो जो अव्वल नंबर ने समझ लिया वो इधर हम पिताएं भी समझते, क्या हम भी? क्योंकि ये बात तो भारत से फैलती है ना चारों तरफ, क्या आत्मा सो परमात्मा, शिवो हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा ने नई दुनिया स्थापन की, दुनिया बनाई। तो सब धर्म पिताएं ये बात समझ के बैठ जाते हैं कि हम भी भगवान जैसे हैं। क्राइस्ट भी समझता है कि अल्लाह मियां जो निराकार है उसका मैं बच्चा हूं पहला, क्या शिव बाबा मुरली में कहते हैं क्राइस्ट बच्चा है तो बाकी सब भतीजे हैं क्या है? तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वास्तव में ऐसी आत्माएं जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरा चक्कर ही नहीं लगाती चारों युगों में, तो उनमें शिव कैसे आएगा? जो भी धर्म पिताएं हैं नंबर वन देव आत्माओं में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे ही जो शिव सुप्रीम सोल है वो जरूर अव्वल नंबर देव आत्मा में प्रवेश करेगा ना। वो कौन है? उसको कहते हैं महादेव, जो वास्तव में आदि देव बनता है। तो बताया उन धर्म पिताओं को इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि को याद करने से कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। अच्छा जो भारतवासी आत्मा है उनको तो फायदा होना चाहिए है? भारतवासियों क्यों नहीं फायदा होना चाहिए? वो तो मानते हैं ना कि निराकार साकार दोनों है, भगवान निराकार भी है भगवान निराकार, सगुण है अगुण है, निरगुण अगुण है सगुण है नहीं कछु भेदा, उभय हर है भव संभव भेदा। कलयुग के मध्यांत में आकर के तुलसीदास जी की भी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, तो फिर भारतवासियों को तो समझ जाना चाहिए क्या कि हमारा धर्म पिता कौन है? वो फिर भूल जाते। क्यों भूल जाते? जैसे सबकी आत्मा तमो प्रधान बनती है, उनकी आत्मा पहले तमो प्रधान बन जाती और धर्म पिताओं के और धर्म फॉलोअर्स के मुकाबले, तो कमजोर बन गई ना। अब जब कमजोर बन गई तो दूसरे धर्म पिताएं आते हैं उनमें प्रवेश करते। ओम शांति।